सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपाली श्रीवास्तव। आज और अभी में देश दुनिया की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। सेना के सूत्रों के मुताबिक बुधवार को भारतीय सैनिक पेंगोंग लेक के उत्तरी हिस्से में पेट्रोलिंग पर निकले थे, जिसका चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने विरोध किया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच तनाव कम करने के लिए ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों ने फ्लैग मीटिंग की। इसमें चीनी सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार हो गए और टकराव खत्म हो गया। चीन लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करता रहा है। उसके सैनिकों ने पिछले साल जुलाई में भी लद्दाख के उत्तरी हिस्से में घुसपैठ करके तंबू लगा दिए थे। जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत पर आरोप लगा रहा पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। अब पाकिस्तान के मंत्री भी इस बात को कबूल करने लगे हैं कि पाकिस्तान की बात को दुनिया में कोई सुन नहीं रहा है और जो सुन रहा है वो विश्वास नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा है। झारखंड राज्य को 19 साल बाद विधानसभा भवन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। 465 करोड़ रुपए की लागत से बना ये भवन 39 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसमें 162 विधायक बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक झारखंड विधानसभा किराए पर HEC के लेनिन हॉल में चल रही थी। नए विधानसभा भवन के उद्घाटन के बाद 13 सितंबर को नए विधानसभा भवन में ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन आज मुंबई में होगा। टीम इंडिया को 2 से 23 अक्टूबर के बीच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट खेलने हैं। खबर है कि ओपनिंग बल्लेबाज लोकेश राहुल की जगह रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया जा सकता है। इस फ्राइडे डायरेक्टर राज शांडिली की फिल्म ड्रीम गर्ल रिलीज हो रही है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, नुसरत भरूचा, विजय राज और अनु कपूर मुख्य भूमिका में हैं। शुक्रवार को मुंबई में सेलिब्रिटीज के लिए इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे। फिल्म देखने के बाद सितारों ने ड्रीम गर्ल को सुपरहिट बताया है। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देश और दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।